और देखिए महाराज, जब तक आपके पास धन है दान कर लीजिए, जब बच्चों के पास चला जाएगा तब हाथ पकड़ लेंगे। कर लिया बहुत अपने समय में, अब बैठ जाओ। कहते ना, जड़ दिया ताला, बैठ गया रखवाला। और क्या पता, अगर अच्छी सोच रखे हम तो आपको दान करता देख ये संस्कार आपके बच्चों में भी आएंगे, वो भी दान करेंगे। माता पिता को देखकर ही सीखते हैं बच्चे, बचपन से एक छोटे से बच्चे को देखिए महाराज, आप जैसी भाषा का उपयोग करते हैं वो उसी भाषा में बात करता है। आप जो हरकतें करते हैं वो उन्हें ही देखता है, वैसी हरकतें वो खुद करता है। आपकी जो सोच होती है, आप जैसी बातें करते हैं उसकी सोच भी वैसी ही बनती जाती है। तो आपको अगर दान करता देखेंगे, अच्छा कार्य करता देखेंगे, तो उनमें भी वो संस्कार आएंगे। आप नहीं करेंगे तो वो भी नहीं करेंगे। और कुछ नहीं रखा इस संसार में, ये केवल धनपतियों को प्रसन्न करना, रिश्तेदारों को प्रसन्न करने में कुछ नहीं रखा। ये कोई साथ नहीं आने वाला, कोई भी। जब तक आपके पास सुख है, धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, तब तक सब आपके साथ है। जहां आप पर कोई मुसीबत आ गई, कोई साथ नहीं देने वाला। और देखिए महाराज, ऐसा ना सोचेंगे आप, कहेंगे भाई कई बार छोटी छोटी मुसीबतें आई हैं, परिवार ने साथ दिया है, वो मुसीबत नहीं। जब सच में आपको किसी की जरूरत होगी और उस कार्य में उसे भी कुछ खोना पड़ेगा, तब कोई आपके साथ नहीं आने वाला। कहते हैं कि सेठ जी की बिल्ली मरी तो पूरा गांव आया। सेठ जी की बिल्ली मरी तो पूरा गांव आया, और सेठ जी मरे तो एक भी नहीं आया। यही संसार है। जब तक नाम है, धन है, या सुख के दिन है, मान लीजिए धन भी ऐसा नहीं कि बहुत धनपत्ति हो तभी, अगर सुख के दिन है आप हंसते खेलते सब आपके साथ रहेंगे। जहां थोड़े से संकट आए सब दूर भागने लग जाएंगे। यही जीवन का सत्य है। इसका मतलब ये नहीं कि आप रिश्ते नाते तोड़ दें, पर उनमें मोह रखकर और ठाकुर जी से मोह हटाकर कुछ नहीं मिलने वाला। एक बड़ी अच्छी कविता है, चलिए पहले तो फिर भी बहुत प्रेम था हमारे जो माता पिता दादा दादी के समय, तब शायद रिश्तों को पहले महत्व दिया जाता था, अब काम को और धन को पहले महत्व दिया जाता है, फिर रिश्ते नाते आते हैं। सब जानते हैं ये बात, किसी से छुपी नहीं है। बाहर से हम कितना ही प्रेम दिखाए, अंदर से हम भी जानते हैं कौन सा रिश्ता कैसा है। तो एक बड़ी अच्छी कविता है, नहीं नहीं पुरानी कविता है, पहले जब सुनी थी तब शायद इतना ध्यान में नहीं आया, पर आज के समय में, आज जैसा समय चल रहा है, जो रिश्ते हो गए हैं, जो स्वार्थ का समय चल रहा है, ये कविता उस पर एकदम सही बैठती, एकदम सही। आप सबने भी सुनी होगी, कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। और ठाकुर जी बार बार दुख देकर, दुख संकट क्यों मिलते हैं हमें, ये जताने को कि अपना कौन है, साथ कौन देगा, सही राह क्या है, इसीलिए दुख संकट मिलते हैं। संत क्या करते हैं आकर, आपको सही मार्ग दिखाते हैं कि तुम्हें किस रास्ते पर चलना है,
पर हम ध्यान नहीं देते। तो बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, क्या कहते हैं, होगा मसीहा सामने तेरे फिर भी तू ना बच पाएगा, होगा मसीहा सामने तेरे फिर भी तू ना बच पाएगा। और इससे ज्यादा और क्या आपको उदाहरण दे कि कोई अपना नहीं है। सबसे अपना रिश्ता क्या होता है, तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा, तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा, कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। और जैसे मैंने कहा, सुख में सब साथ रहेंगे, दुख में छोड़कर चले जाएंगे। तो कहते हैं क्या, सुख में साथ रहेंगे तेरे दुख में सब मुंह मोड़ेंगे, सुख में साथ रहेंगे तेरे दुख में सब मुंह मोड़ेंगे। और आपको पता भी नहीं चलेगा कौन अपना है कौन पराया, क्यों, दुनिया वाले तेरे होकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे, दुनिया वाले तेरे होकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। और आप उनसे क्या उम्मीद रखते हो, यहाँ हर एक आदमी जानता है कि भगवान हर जगह है, कण कण में है, हर कोने से हमें देख रहा है, लेकिन देते हैं भगवान को धोखा। गलत कार्य करते समय सोचते भगवान उन्हें देख नहीं रहे, वो बच जाएंगे इन चीजों से। तो देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या, कसम प्यार बातें हैं बातों का। तो महाराज आपके पुण्य साथ जाएंगे, आपके आपके अच्छे कार्य आपके साथ जाएंगे, इनमें से कोई साथ नहीं जाने जाना।